टी सेक्टर का जिक्र आपने किया और इसी सेक्टर पर आपका डिटेल्ड अप्रोच अब हम जानना चाहेंगे। एक्सेंचर जो कि ग्लोबल आईटी मेजर, ये एक पैरामीटर जाना जाता है डोमेस्टिक आईटी कंपनीज के लिए भी, जब उनके नतीजे आते हैं तो किस तरह के सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स के लिए भी, या फिर यूं कहें कि आईटी सेक्टर के लिए ही किस तरह के सेंटिमेंट्स बिल्ट होंगे, वो यहाँ से समझ आते हैं। ताज़ा नंबर्स भी आते हुए दिखे, रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग्स यहाँ पर नजर आई, पाइपलाइन कमेंट्री भी काफ़ी हद तक रोबस्ट रही। हालांकि जॉब कट सिनेरियो अब भी यहाँ पर खबरें आईटी सेक्टर पर इससे जुड़ी ज़रूर आती है, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए क्या अब समय आ गया है कि पर्सपेक्टिव को बदला जाए और इस वक्त डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म टू इमीडिएट टर्म के पर्सपेक्टिव को अप्रोच किया जाए, और इन दोनों में से कौन से पर्सपेक्टिव पर नज़र होनी चाहिए? जी, आप पिछले 12 महीने से देखेंगे तो मार्केट ने हाइपोथेसिस किया कि यूएस में रिसेशन आएगा, उसका आईटी पे डिमांड बना प्रेशर आएगा, उसकी वजह से काफी स्टॉक करेक्ट भी हुए। पर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर्स के नतीजे, हर क्वार्टर में जो कंपनी है उन्होंने अपनी ऑर्डर बुक को अच्छे से अपडेट किया है, इंक्लूडिंग आप एक्सचेंज के रिजल्ट देखेंगे तो उन्होंने ऑर्डर बुक और अच्छे से गाइडेंस को कम नहीं किया। तो सब आईटी कंपनीज गाइडेंस को मेंटेन बरकरार करे हुए हैं, ऑर्डर बुक अच्छी जीत रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कि, और यूएस में अगर कोई आज एक सीईओ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है या कोई कंपनी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है, आप ये तो मानेंगे कि उसको ये पता है, अगर हम सबको पता है रिसेशन आएगा तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्पेंडिंग कर रहा है उसको तो पता है रिसेशन आ सकता है, उसके बावजूद भी दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी आईटी का कॉन्ट्रैक्ट कब देता है, जब उसके लिए बहुत एसेंशियल हो, नेसेसरी हो। एंड दैट इज द पॉइंट हम लोग वी आर मेकिंग कि दिस टाइम अराउंड आईटी का काफी बड़ा डिमांड जो है नॉन डिस्क्रिशनरी है, वो उनको खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि विद डिजिटाइजेशन एंड क्लाउड माइग्रेशन ये जो नया थीम चालू हो रहा है, ये हर कंपनी को अपने सारे सिस्टम को रीओरिएंट करना पड़ेगा। इट इज नॉट गुड टू डू, इट इज हैव टू डू। एंड ये जो सिचुएशन है उस चक्कर में सब कंपनियों को अपना अपना आईटी स्पेंड बढ़ाना पड़ रहा है, उससे कॉस्ट रिडक्शन भी होता है, एफिशिएंसी भी आती है। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है। हाँ, ये ऐसा है कि आईटी सेक्टर बड़ा बेस होने की वजह से आप 14-15% का ग्रोथ भी करें तो बहुत बड़ी बात है, और जब भी कुछ कंपनियां तो 25% की ग्रोथ की प्रॉफिटेबिलिटी में गाइड कर रही है, जैसे कि अभी एलटीआई का एनालिस्ट मीटो, उन्होंने काफी अच्छी गाइडेंस दी। तो मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ एक स्टेबल ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ है। मैं इस बात से ज्यादा वरीड नहीं हूँ कि यूएस में रिसेशन आएगा तो आईटी डिमांड रुक जाएगी, वो तो नहीं रुकनी चाहिए। बल्कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कटिंग का माहौल बनता है तो मुझे लगता है कि आईटी में वापस डिमांड जोर से निकलेगी। तो ये हो सकता है वो अगले 12 महीने की सिचुएशन हो, शायद आज ना हो। तो इसलिए हम आईटी को थोड़ा स्ट्रक्चरल ही सेक्टर में देखते हैं, हम उसको एक शॉर्ट टर्म और उस सेक्टर से नहीं देखते हैं। हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। नैस्कॉम ने अपना गाइडेंस भी काफी बढ़ाया है, कहा है कि 2030 तक 500 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह की जब बातें होती है तो आपको क्लू पकड़ना पड़ता है कि किस क्या हो रहा है, बल्कि नॉइज क्या है और रियल इंफॉर्मेशन क्या है। मैं हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ऑर्डर बुक क्या हो रही है कंपनियों की, दैट इज द रियल इंफॉर्मेशन, दैट टेल्स इज नॉइज। मॉर्निंग,